अगर आपके पास भी सीमेंस की न्यू एचएमआई है जिसका कनेक्शन आप टीआईए पोर्टल से करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में सीखेंगे। न्यू पीएलसी का कनेक्शन करेंगे और इसको एक नया आईपी एड्रेस भी असाइन करेंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे टीआईए पोर्टल वर्जन 17 को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने पीएलसी को ऑलरेडी एड किया है। सो अब मैं यहाँ पे एक एचएमआई को एड करूंगा। देन इसके बाद एचएमआई को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एच एम आई के टाइप्स आ जाते हैं। सो इसमें से आपको यहाँ पे एच एम आई का टाइप चूज कर लेना है। एच एम आई का टाइप आपकी एच एम आई के जस्ट बैक साइड में लिखा होगा, सो वहां से आप देख के इसको चूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 4 इंच की डिस्प्ले है, सो मैंने इसको चूज कर लिया। देन इसके बाद यहाँ पे के टी पी 400 बेसिक है, सो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इनके 3 आर्टिकल नंबर्स आ रहे हैं, इसमें से आपके पास जो भी आर्टिकल नंबर लिखा हुआ है उसी को सिलेक्ट करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला है, सो इसको चूज करूंगा। अगर आपके पास इसको ऐड करने में लाइसेंस की नॉट फाउंड या फिर कुछ एरर आ रहा है जो कि लाइसेंस से रिलेटेड है या फिर सॉफ्टवेयर की से रिलेटेड है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से उसको देख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आर्टिकल नंबर को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन के लिए कुछ इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पीएलसी आ रहा है, सो आपको यहाँ पे पीएलसी को सेलेक्ट करना होगा। इससे पहले आपको यहाँ पे पीएलसी की पावर को ऑन कर लेना है और इसके अलावा एचएमआई की पावर को भी ऑन कर लेना है। देन इथरनेट की केबल के थ्रू इसको कनेक्ट करके रखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरे पास एक इथरनेट की केबल यहाँ से पीएलसी से निकल के सीधे हब स्विच में गई हुई है, ऊपर से आ रखी है। दूसरी वाली केबल जो है वो एचएमआई की केबल है, यहाँ पे आ रखी है। इनकी तीनों ग्रीन लाइटें ब्लिंक कर रही है, दैट मींस कि कनेक्शन हो रहा है, केबल में कोई भी दिक्कत नहीं है। देन इसके अलावा ये व्हाइट वाली केबल जो है लैपटॉप के साथ में कनेक्ट है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे पीएलसी में कनेक्शन करेंगे। इसके लिए ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरे पास एक पीएलसी इसमें कनेक्टेड है, सो मैं इसको यहाँ से चूज कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कुछ और भी ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन ड्राइवर सिमेटिक S7-1200 रहेगा। इसके नीचे इंटरफेस प्रोफिनेट ऑटोमेटिकली आ गया है, सो इसको भी यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड का डिफॉल्ट कलर कुछ देखने के लिए मिल रहा है, सो यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका कलर रख लेता हूँ ग्रीन कलर या फिर स्काई ब्लू टाइप का। इसके अलावा यहाँ पे हेडर में आपके पास कुछ और भी लिखा हुआ रहा है, जैसे कि डेट एंड टाइम या फिर लोगो। अगर आपको यहाँ पे डेट और टाइम को रखना है तो यहाँ पे टिक रहने देंगे, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हैं। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 3 टाइप्स की अलार्म्स आ रहे हैं, जैसे कि अनएक्नोलेज्ड अलार्म, पेंडिंग अलार्म्स या फिर एक्टिव सिस्टम इवेंट। सो इसको भी यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि एड स्क्रीन या फिर इसके अलावा रूट स्क्रीन। सो इसको यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इस स्क्रीन को हम वहाँ पे दूसरे ऑप्शन से भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। कुछ सिस्टम की सेटिंग है, जैसे कि रूट स्क्रीन के लिए जो ऑप्शन रहेगा कुछ इस प्रकार से आएगा। सो आपको यहाँ पे इसको एज इट इज ही रहने देना है, अदरवाइज यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि सीमेटिक्स, पीएलसी सिस्टम, डायग्नोस्टिक्स व्यू, प्रोजेक्ट व्यू, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन या फिर यहाँ इसके अलावा नीचे ऑपरेटिंग मोड, लैंग्वेज स्विचिंग, स्टॉप रन टाइम। सो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बटन का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि सिस्टम बटन, लॉग ऑन, लैंग्वेज, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आ रहा है कि बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है या फिर राइट में रखना है। सो मैं बॉटम में रखता हूँ। बॉटम में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे नीचे रहेंगे सारे के सारे बटन। देन फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली स्क्रीन आ गई है और इसके बाद आपको यहाँ पे एचएमआई की पावर सप्लाई को ऑन कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एचएमआई कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एचएमआई की पावर सप्लाई कितनी देनी है वो आपको यहाँ पे पैनल की स्क्रीन के बैक साइड चेक कर लेना है कि 24 वोल्ट है या फिर 220 वोल्ट्स रहेगी। सो यहाँ पे मेरे पास केटीपी 400 बेसिक पैनल है, सो इसमें यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई देनी होती है। सो मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दे रखी है। देन इसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाता है। सो आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे बीच में क्लिक करना है, देन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर क्लिक करना होता है।
सो आईपी एड्रेस यहाँ पे डीएचसीपी को ऑफ ही रहने देंगे। देन इसके बाद यहाँ नीचे आपको जो भी आईपी एड्रेस सेट करना है उसको यहाँ पे डाल देना है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कट करना है, देन यहाँ पे डाल देंगे जैसे कि 192.168.0.11 जो कि डिफॉल्ट एड्रेस भी होता है इसका। सो यहाँ पे हमने इसी एड्रेस को सेट कर दिया है। इसके नीचे आपको यहाँ पे सबनेट मास्क को भी सेम ऐसे ही सेट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ लिखना है 255.255.255.0। देन यहाँ पे एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे HMI में 10 सेकंड का टाइम लगता है किसी आईपी एड्रेस को एग्जीक्यूट होने में। सो यहाँ पे हम बैक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हम जाएंगे अपने पीसी के TIA पोर्टल में और इसके बाद आपको आईपी एड्रेस की सेटिंग करने के लिए यहाँ पे TIA पोर्टल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पोर्टल व्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। देन आपके पास कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन एक्सेसिबल डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ईथरनेट की केबल को अपनी HMI के साथ कनेक्ट करके रखना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास HMI आ जाएगी ऊपर। HMI में आपके पास देखने के लिए मिलेगा MAC एड्रेस यहाँ पे रहेगा और IP एड्रेस और MAC एड्रेस दोनों ही सेम देखने को मिलेंगे। मेरे पास यहाँ पे चेंज है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है। सो मैं यहाँ पे सेट करने का प्रोसेस आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देन सो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस के नीचे आपके पास ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक्स का ऑप्शन आएगा। सो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। देन फंक्शन के ऊपर क्लिक करना है, असाइन आईपी एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपके पास मैक एड्रेस आएगा, इसके नीचे आपको आईपी एड्रेस टाइप करना है जैसे कि 192.168.0.11। इसके नीचे सबनेट मास्क भी आपको 255.255.255.0 ही डाल देना है। देन असाइन आईपी एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। और अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप कुछ और टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो मेरे पास 10 चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपको असाइन आईपी एड्रेस के ऊपर क्लिक करना होगा। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि सिमेटिक के HMI पैनल में आईपी एड्रेस की सेटिंग को किस प्रकार से करते हैं। और अगर आने वाली वीडियोज में आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो में लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।